गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये इस वीडियो इस मॉडल्स का है जो E23 मॉडल्स हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं E23 मॉडल है आपका। इसको अनबाइंड करने का प्रोसेस, मान लीजिए किसी का है, आपने डेमो दिया या कहीं किसी कस्टमर के यहाँ लगा हुआ था, उसको पसंद नहीं आया, आपने वापस ले आया, लेकिन ये चीज़ें उसके डिवाइस में तो एडेड है, ठीक है। इन केस अगर वो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी करता है, ठीक है ना, और आप अपना कैमरे का हार्ड रिसेट भी कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, तब भी ये डिवाइसेस रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। वो तभी होगा जब तक कि आप अनबाइंड नहीं करेंगे प्रोसेस, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी अलर्ट बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रिक्टली जो है ना ये बनाया गया सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर ये ऐसा ही रहेगा तो आपका अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी आपका दिख रहा है कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है कि आपने किस किस को राइट दिया है, आपको ये पता होना चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस बताना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इसको कैसे अनबाइंड करना है, तो एक पर्पस वो भी है कि अनबाइंड कैसे करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन पे जाएंगे, क्योंकि ये अनबाइंड एप्लीकेशन से ही होगा आपका। तो एप्लीकेशन पे गया सबसे पहले हमने, अभी ये देखिए डिवाइसेस ऐड करना है, ठीक है। अब ये मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी का मोबाइल पे एडेड है, आपने खरीद के लाया, आपको पता नहीं है, फिर आपको प्लस पे सिंबल आपने क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, क्योंकि पार्ट वन और पार्ट टू में बता रखा हूँ शेयर कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं। सेम मॉडल आपने सेलेक्ट किया, अदर मोड पे गया, नेट स्मार्ट कॉन्फ़िगरेशन पे गया, नेक्स्ट स्टेप किया, और जो वाईफाई है वो हमने वाईफाई दिया इसको। अब ये ऐड होना शुरू होगा। ये हमारा नया कैमरा, अब इसको हम फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर नहीं हो रहा था, अभी हमने इस कैमरे को फिर से रिसेट किया है। ये कैमरा अभी उस मोबाइल पे जिसमें हमने ऐड किया था वो अभी तक हमने हटाया नहीं है वहाँ से। वाईफाई दिया, वेट करेंगे, ये खुद ब खुद सारा कुछ लिख बोलेगा आपको। वाईफाई कनेक्टिंग, प्लीज वेट। ये आपका कनेक्शन होना शुरू हो गया। अगर इन केस आपने रिसेट नहीं किया है कैमरे को, और अगर ये टाइम आउट या हैंग आउट लिखता है, तो फिर आपको एक बार इसको रिसेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपको डिवाइस हैज़ बिन कनेक्टेड टू अनदर यूज़र, मतलब ये डिवाइस उस मोबाइल से या दूसरा यूज़र से एडेड है, तो इसलिए आपको अनबाइंड का प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई टू अनबाइंड, ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये डिवाइस अनबाइंड नहीं होगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। अप्लाई पे हमने क्लिक किया, ये देखिए आपसे इसमें आपको इशू टाइप पूछेगा, आपको इशू टाइप सिलेक्शन करना है, क्या प्रॉब्लम है। डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इशू या थर्ड पार्टी कंट्रोल, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कंट्रोल है, ये वो सिलेक्शन कर लीजिए आप, ठीक है। अकाउंट बाइंडिंग विद डिवाइस कनेक्शन, यही चीज़ है, क्योंकि ये किसी और में बाइंड आप हो रखा है, ये हमने सेलेक्ट किया। अब इस पर अपलोड करना है पिक्चर 3, ये क्यों, क्योंकि आप जब अनबाइंड कर रहे हैं तो आपके पास ये डिवाइस है या नहीं, आप सही हैं या नहीं, कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर पिक्चर अपलोड करना पड़ेगा 3। एल्बम से, क्योंकि हमने पिक्चर इसका खींच रखा है इसको, अगर नहीं खींचा आपने तो आपको खींच के रखना पड़ेगा। सबसे पहले किस साइड वाला, एक तो ये वाला आपका, एक आपका ओवरऑल, और एक आपका ये बॉक्स का, ठीक है। पिक्चर सोर्स से मैं सेलेक्ट करूँगा एल्बम, एल्बम से क्लिक सेलेक्ट करूँगा, ये फ़ोटो ऊपर में है इस डिवाइसेस का, ये आपको सिलेक्शन करना है, ये सेव कीजिएगा, ये आपका लोडिंग होना शुरू हो गया। देखिए ये चढ़ गया आपका, फिर दूसरा वाला मांगा है, फिर दूसरा वाला आप देंगे,
ये दूसरा भी आ गया, और अब आप तीसरा करेंगे। आपका ये तीसरा भी होगा। जैसे ही तीसरा होगा यहाँ लिखेंगे ऊपर में एक और है, सेलेक्ट फॉल्टी डिवाइसेस। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है आपको। मैं मोबाइल नंबर ही डाल देता हूँ या ईमेल आईडी डालता हूँ जो आपका है। आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। यस किया, ठीक है। अभी भी सबमिट नहीं आया है। यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है। ऊपर में लिखिएगा कि थर्ड पार्टी कंट्रोल इशू। तो ये मेरा मोबाइल का मैंने कॉन्टेक्ट मेल आईडी डाल दिया है, थर्ड पार्टी कंट्रोल इशू मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अब आपका सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कीजिएगा। ये लोडिंग लिखेगा, सबमिट सक्सेसफुली। अब लिखा क्या, डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड टू अनदर, कैन नॉट बी कनेक्टेड अगेन। अब जिस मोबाइल से जो पहला फर्स्ट टाइम जो ऐड था, अब वो दोबारा कनेक्ट नहीं कर सकता है आपसे चाह कर भी, ठीक है। अब आपका डिवाइस जो है कंप्लीट है। अब आप इसको दोबारा से ऐड कीजिए, ये ऐड हो जाएगा।